ये देख सकते हैं आप, आंखें भी इन्होंने खोल ली हैं। सही, चलो उड़ते नहीं है ये सुन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एचएन के व्लॉग्स। तो इंतज़ार की घड़ी यहाँ हुई ख़त्म दोस्तों। आज कब से हमारे जो कबूतर हैं उन्होंने अंडे दिए हुए थे, तो हम सोच रहे थे कि बच्चे क्यों नहीं निकल रहे, और फाइनली जब हम ईद में बिजी थे तो हमें पता भी नहीं चला उन्होंने बच्चे निकाल लाए। और हमने सोचा कि चलें आपके साथ हम उनकी वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि कॉल के मुताबिक जैसे हमने बताया था आपको कि हम उनकी वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। तो एक बैड न्यूज़ भी है, हमारा जो ये खरगोश है इसको हो गई है एलर्जी, हो गया बीमार इसके गर्मी की वजह से, इसके पैरों पर एलर्जी हो गई है, और ये भी कह रहे हैं कि निकालो मैं बाहर। तो चले हम आपको दिखाते हैं अपने कबूतरों के बच्चे। वो तो वैसे दो तीन दिन के हो गए हैं ना, दो दिन के हो गए हैं, काफी बड़े बड़े लग रहे हैं, बहुत प्यारे। जल्दी तो चलिए आपको दिखाते हैं। सो पावरफुल रिमाइंडर, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और मुकम्मल वॉच कीजिएगा। जा रहा हूँ घास लेने, जल्दी से जा रहे हो। चल के आपको दिखाते हैं कबूतरों के बच्चे। चलो संकेत खोल दो, उन्होंने खोल फेंके हुए अंडों के जो है वो, पानी खत्म हुआ है, इनको पानी भी डालो और खोल के वो देख सकते हैं आप। इनकी जो माँ है वो इनके ऊपर बैठी हुई है इनको हीट प्रोवाइड करने के लिए, ये गर्म रहते हैं फिर बच्चे, और इससे ये ठीक रहते हैं। उस साइड पर हट जाओ तुम, छू छू वो देखें इनको क्लोजली, हम आपको दिखाते हैं अंदर जाके। पानी डाल के ले आया, पानी आप पियेंगे, जाओ अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स ये छोटे छोटे बेबी पिजन फैट हो जाओ, आप देख सकते हैं छोटे छोटे, इनको बाहर निकालू ने ओ निकालू, ये बेबीज को बाहर निकालू। हाँ मैंने इनको आज निकाला है, कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, आंखें भी इन्होंने खोल ली हैं। सही फोकस हो रहा है सर। ये दूसरे पैर ने भी आज दे दिए, ये देख सकते हैं आप, ये ना है माथी इसकी। सो फ्रेंड्स कमेंट्स करके आप भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी है हमें और हसन कबूतरों को दाने डालते हुए, क्योंकि इन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं तो इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की, क्योंकि ये फिर अब अपने बच्चों को फीड कराते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा खाते हैं। तो हसन घास भी ले आया है, और चलो खोलो इनको अब। ये मैंने तो हाँ ये अच्छा किया है, अब इनकी ये जो है घर खुला खुला हो गया, घर का दरवाज़ा जो है अंदर नहीं बाहर निकलने तो नहीं ना जरा, ये इनको पता। ये दूसरा हमारा जो है रैबिट है बीमार है, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, इसके लिए इंजेक्शन वगैरह लेके आएंगे आज जाके, और फिर कल इसको हमने इसका ट्रीटमेंट रात को करना है या कल जब भी या थोड़ा। और ये देखें कितने खूबसूरत हैं ये, सही सफ़ेद अंदर से मैंने, और अंदर से हसन ने बिल्कुल सफाई करके ये देख सकते हैं आप खुला कर दिया है घर। देखें इसको भी हमने घास डाल दिया और ये भी खाना शुरू कर दिया, शुक्र है इसने खाना वगैरह नहीं छोड़ा। बाकी सब तो इसका ठीक है, सिर्फ इसको एलर्जी पता नहीं अचानक कैसे गर्मी की वजह से हुई है ना, ये गंदगी की वजह से होती है। गंदगी तो तुमने सफाई सारी की थी या जहाँ से लेके आए थे इसको पहले से पहले से बाजार में इन्होंने पिंजरों में बंद किए होते हैं, तो इस वजह से पहले से इनको जो है वो पता नहीं किस किस जगह पे रखते हैं इनको, तो फिर ये जब जाहिर है की जगह पे खाना खाते हैं और वहाँ पे ही सारा कुछ इनका हो जाता है, तो फिर ये बीमार हो जाते हैं ना इनकी, इसीलिए कहते हैं कि केयर करनी चाहिए। सफ़ेद है यार दूध जैसे है ना, माशाल्लाह भी है। ये फीमेल है ना, ये वो फीमेल है, ये फीमेल है, वो मेल है उसका वो मेल है, और हाँ वो ही कान ऐसे गिरा देते हैं पता नहीं क्यों, तुम्हारी तरह है उसका कान। और हमारे कबूतर भी खाना वगैरह खा रहे हैं, उन्होंने भी अंडे दे दिए हैं, वो जो ब्राउन वाले हैं उनके भी बच्चे बहुत प्यारे होंगे जब निकलेंगे, उसकी वीडियो भी शेयर करेंगे आपके साथ। और वो जो देखें नया कबूतर, उसने अपनी टेल निकालना शुरू कर दी है, और ये देखें ये पैर जिन्होंने बच्चे निकाले हैं ये खाना वगैरह खा रहे हैं।
हाँ ये तो हमने मिस ही कर दी थी वीडियोस। ये देखें हमने इनका ये ऊपर से छत ना मिट्टी से ये सारा कर दिया था ताकि इनकी ना ये गर्मी से ये बचे रहें, महफूज रहें और अंदर से इनका टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहे। तो इससे काफ़ी ये है कि इनके अंदर घर को जो है वो ये है कि गर्मी से इनकी हिफाजत हो जाती है। आपको पता है कि जून जुलाई का महीना है तो इस वजह से इनकी हिफाजत करेंगे तभी ये हमारे जो जानवर हैं, क्योंकि ये बोल तो नहीं सकते लेकिन ज़ाहिर है ये भी फील कर सकते हैं हर चीज़ गर्मी सर्दी जो भी है। तो फिर इसी तरह हमने इनकी केयर करनी होगी तो इन्होंने सर्वाइव करना पड़ना तो इन्होंने मर जाना। क्या हुआ फिर वो मुझे खुद ही देखे हमारे जो पड़ोसी हैं वो अच्छे हैं दे ही जाते हैं, उनको पता है हमने कबूतर रखे हैं। मोटर लगाने के लिए जा रहा है और ये अंदर छुप गया है। चलो आ जाओ भाई पानी भरने का टाइम हो चुका है। हसन पाइप को टाइट करते हुए और हसन से टाइट ही नहीं हो रहा आज। क्या हो गया? दूध हो गया मेरे ख्याल में क्लिप। इसका नया लाना पड़ेगा फिर। ये साथ वाले जो कर रहे हैं उनके लिए पानी का बंदोबस्त, पानी उनको देते हैं हम क्योंकि पानी देना सबका जारिया है और सवाब का काम है और नेक बंदे हैं ये तो फिर पानी देते हैं ये। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कैसे इंसानों की तरह आराम फरमा रहा है और ये दूसरा भी चला गया वीडियो बनवाने के लिए सामने आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारा जो खरगोश बीमार हुआ हुआ है वो ठीक हो जाए। उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे कल से और इंशाल्लाह आपके साथ उसके रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला है हमने उसके ट्रीटमेंट का। तो फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।